हस्बैंड वाइफ वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को लगता होगा ये फैमिली वाला डिस्टर्ब कर रहा है, अगल बगल के लोग कुछ ऐसे कुछ कहते होंगे, कुछ इस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है कभी? बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं लगा कि चैनल वैनल बंद कर दें, वीडियो वीडियो बनाना बंद कर दें, ऐसा कभी लगा? बहुत बार ऐसा लगा है। सारे लोगों का ऐसे दिल में ख्याल रहता है कि यार पैसा वैसा YouTube से आता है कि नहीं आता है, तो आज तो वो ख्याल खत्म हो गया। नहीं, YouTube में बहुत पैसा है, $200 का उसमें हम लोग पहला $200 भाई साहब, सुनिए नहीं कुछ कीजिए। जब आपकी लाइफ स्टाइल को देखा जाता है ना, जब आप बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े आईफोन लेकर के चलते हैं, तब लोग पूछते हैं कि भाई आप करते क्या हो तुम यार। सो गाइज, आप देख सकते हैं गाइज, हमारे बीच झारखंड के चर्चित यूट्यूबर सौरभ आसा ब्लॉग जी हैं, और इन लोगों का मैं सबसे पहले हार्दिक वेलकम कर लेते अपने चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी समय से हम लोगों के बीच में बातचीत चल रहा था कि हम लोग कब एक दूसरे के चैनल पे आए, तो आप देख सकते हैं कि आज हमारे बीच में सौरभ आसा ब्लॉग है। तो भैया से मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि भैया आपका चैनल का कितना दिन हो गया, कब आप क्रिएट किया था और आज कितना दिन लगभग हो गया चैनल का? ये चैनल हम लोग लमसम वही एक साल हो गया, मतलब दिसंबर में ही हम लोग ये चैनल बनाए थे, क्रिएट किए थे दिसंबर में। हाँ। लेकिन हम लोग पहला वीडियो छठ पूजा के टाइम डाले थे। जी जी। हाँ। तो आपके चैनल पे अभी लगभग कितने वीडियो होंगे? लमसम हमारा में 180-190 के बीच। तो भैया ये एक साल का जो दौर रहा 2023 से 2024 के बीच में, किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे आगे आप आए इस क्षेत्र से? देखिए, चैनल जब हम क्रिएट किए थे तो सबसे पहले हमको ये उम्मीद नहीं था कि हम जिस मुकाम पे आज हैं वहाँ पर हम पहुँच पाएंगे। लेकिन मतलब YouTube में आने के बाद एक होता है ना कि ये इंटरनेट है, इस नेट की जाल में हमने फंसता चला गया। और क्या हुआ कि हम लोग वीडियो बनाते गए, और वीडियो बनाने के बाद पहले हम लोग वीडियो बनाने का तरीका देखे ना, जैसे जो भी हम लोग सीखे सब YouTube से ही सीखे। हाँ, YouTube से सीखे, जैसे आपका भी बहुत सारा वीडियो हम लोग देखते थे, और मनोज सर का भी देखते थे, बड़े बड़े क्रिएटर योगी लोग देखते थे कि कैसे आखिर वीडियो को ब्लॉगिंग कैसे शूट करना है, कैसे एडिटिंग करना है, कैसे टाइटल थंबनेल डालना है, ये सब हम लोगों ने काफी मेहनत किया दो तीन महीना। तो सौरभ भैया, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आप लोगों को जब आप लोग हस्बैंड वाइफ वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को लगता होगा ये फैमिली वाला डिस्टर्ब कर रहा है, अगल बगल के लोग कुछ ऐसे कुछ कहते होंगे, कुछ इस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है कभी? बिल्कुल, ये हमको जहाँ तक लगता है कि कोई भी यूट्यूबर जब स्टार्टिंग करेगा तो देखिए आदमी का एक हो जाता है ना मोनोपोली है कि कोई किसी के ऊपर मजाक बना देना, किसी को थोड़ा सा नीचा दिखाना, अरे ये सब क्या कर रहा है। वो मेरे साथ भी घटा है, मेरा हम लोग दोनों के साथ घटा है, यहाँ तक कि हम लोग को देख कर हमारा बहुत करीबी फैमिली वाले वो लोग भी बोलते थे कि क्या ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगा कि चैनल वैनल बंद कर दें, वीडियो वीडियो बनाना बंद कर दें, ऐसा कभी लगा? बहुत बार ऐसा लगा है, लेकिन फिर हम लोगों ने मतलब ये चीज सोचा कि नहीं, आत्मसम्मान को रखें आप लोग, निडरता को बरकरार रखें, और आज 2023 खत्म होकर 2024 में हम लोग आ चुके हैं। हाँ। एक साल से भाई साहब कंटिन्यू ब्लॉग डालते हैं। हाँ। और अभी अर्निंग भी हो रहा है, आगे आप लोग बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। अब हम जानना चाहते हैं आपके चैनल के बारे में कि आपके चैनल में कौन सा ऐसा वीडियो है जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि 3 महीना हमने बहुत मेहनत किया। जी जी, ठीक है, 3 महीना ऐसा हुआ है कि हम काम करने के बाद भी हम मैंने बड़े बड़े क्रिएटर से हमने मिला है, जैसे आपसे भी मिले थे इसी दौरान, बिजेरिया ब्लॉग से भी मिला, मनोज दे सर से भी मिले, डांसर सनातन से भी मिला, मतलब ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर हैं, जिसके साथ हमने मिला और वीडियो बनाया। तो 3 महीना में हमने इतना मेहनत किया ना कि चैनल मेरा ग्रो कर गया, और उसमें मेरा 2-3 वीडियो वायरल हुआ है, जैसे विजय भैया का साथ में एक वीडियो मेरा वायरल है, बिजेरिया ब्लॉग, जैसे कि आप बिजेरिया ब्लॉग्स को तो जान ही रहे होंगे, उनके साथ ही एक वीडियो है जो वायरल हुआ है। कितना व्यूज गया है उस पे लगभग? उसमें लमसम 5.5-6 लाख व्यू हुई, 5.5-6 लाख व्यू, 6 लाख समझ सकते हैं भाई साहब, रोज रोज उसमें कुछ ना कुछ आता ही है व्यू, रोज आपको कुछ ना कुछ उससे मिलता ही है। तो भैया पेमेंट की अगर हम बात करें तो क्या YouTube से आपको पेमेंट मिल चुका है अभी तक? जी जी, YouTube का आया था फर्स्ट पेमेंट, पहला पेमेंट तो हम लोग ने, मेरा ब्लॉग में जाइएगा तो दोस्तों हम लोग दिखाए थे $200 का, उसमें हम लोग पहला $200 भाई साहब, सुनिए नहीं कुछ कीजिए, $200 का समझ सकते हैं, $200 बहुत होता है, आप एक बार इंडियन करेंसी रुपीज में जाकर चेक कीजिए ना, $200 का वैल्यू तो समझ में आ जाएगा। $200 हम लोग उठाए थे, जिसका हम लोग ब्लॉगिंग भी बनाए थे ना। तो सौरभ भैया, क्या लगता है जो ऑडियंस आपका वीडियो अभी देख रहे हैं, आवाज कर रहे होंगे, तो उनको भी ये सब चैनल वगैरह बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मैंने बोला ना कि जून जुलाई आप अपना दिखा दीजिएगा, हम आपको YT स्टूडियो दिखा देंगे, जून जुलाई अगस्त से जैसे है हम लोगों ने पेमेंट उठाना स्टार्ट किया है, और करीबन इस बार मेरा ये लास्ट मंथ होगा, उसमें भी मेरा पेमेंट आएगा, तो हमने 3-4
4-5 हाँ 3-4 मंथ का पेमेंट हम लोग उठा लिए, पेमेंट आ ही रहा है। हाँ आ ही रहा है। बहुत सारे लोगों का ऐसे दिल में ख्याल रहता है कि यार पैसा वैसा YouTube से आता है कि नहीं आता है, तो आज तो वो ख्याल खत्म हो गया। नेटवर्किंग ऐसा चीज है ना कि सिर्फ यूट्यूब नहीं, फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो, हर सोशल में मतलब आप पैसे कमा सकते हैं। हम लोग अभी तो फेसबुक में भी डालना स्टार्ट किया हूँ अभी मिनी ब्लॉग। अगर आप लोग मन बना रहे हैं तो मन को बनाइए नहीं, बना ही दीजिए। 2024 का शुरुआत हो जाएगा। देखिए YouTube जो है ना, YouTube एक समुंदर है। इतना मत बोल दीजिए। नहीं नहीं, रियल मायने में जो हमको अभी पता चला कि YouTube एक समुंदर है, इससे आप एक लोटा पानी उठा के दो लोटा पानी उठा से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, बस सपोर्ट होना चाहिए, मेहनत करना होगा। आज तो लग रहा है हमारे जो ऑडियंस इस वीडियो को देखने के बाद घर जाके सबसे पहले चैनल बना ही लेंगे ये लोग। नहीं रियल, सही मायने में आज अगर कहा जाए तो जो सौरभ भैया बोल रहे हैं वो हम बता देते हैं आपको, यूट्यूब एक ऐसा समुंदर है ना, समुंदर बोले तो पानी वाला समुंदर नहीं, पैसे का समुंदर, जहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया में आते हैं, अगर आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं या फेसबुक में वीडियो बनाते हैं, तो भाई साहब आप रातों रात मालामाल हो सकते जी, हैं। अगर आपके तकदीर ने साथ आपका दे दिया तो आप जरूर वायरल हो सकते हैं। किस्मत के साथ आपको अच्छा कंटेंट भी जरूरत है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है यहाँ पे। लोग तो आपको बोलेंगे ये लड़का पागल हो चुका है, ठीक है कुछ भी करता है नहीं करता है समझ में नहीं आता, लेकिन जब आपकी लाइफ स्टाइल को देखा जाता है ना, जब आप बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े आईफोन लेकर के चलते हैं, तब लोग पूछते हैं कि भाई आप करते क्या हो तुम यार, सही बात, तुम्हारा जो लाइफ स्टाइल बदल गया है। बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अब फैमिली से भी हम लोग सुने हैं, रिश्तेदार से भी सुने हैं, दोस्त यारी से भी। पहले पहले लगता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, मैं अच्छा खासा क्रिकेट खेलता था दोस्तों, बता रहा हूं। क्रिकेट मैंने छोड़ दिया सिर्फ यूट्यूब के चलते, ऐसा हो गया कि क्रिकेट खेलना मेरा बंद हो गया, तो यूट्यूब में कुछ ना कुछ है तभी हम छोड़ दिए हैं। और यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा प्यार भी मिलता है, आप सबको अच्छा अच्छा कॉमेंट भी मिलता है जैसे। और तो आप लोग का भैया डेली ब्लॉग रहता है? जी हम लोग डेली ब्लॉग बनाते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं, घर की सारी चीज़ों को दिखाते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं। ये हमारा जो झारखंड की सभ्यता है, झारखंड की संस्कृति है। इतना सारा टाइम कैसे देते हैं, जैसे आप लोग डेली ब्लॉग तो शूट कर लेते हैं, एडिट वगैरह करने में झंझट नहीं लगता है? बहुत झंझट, एडिट का सारा काम इनका है, हमको बस शूट करना है, हम शूट करवाते हैं, हम लोग शूट करते हैं, एडिट करते हैं। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। हां आज साथ में हमारे बच्चा को भी पढ़ाना काफी मतलब जरूरी होता है। हमारे दो बच्चे हैं, दोनों को संभालना, फिर मतलब बच्चों लोगों को देखते हुए, अपने भी खुद को देखते हुए, घर परिवार को देखते हुए वीडियो वगैरह बनाते हैं इनके। मेरा आरव भी कभी कभी ब्लॉगिंग करता है और इसको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, सब इसका ब्लॉगिंग देख के काफी तारीफ करता है। सो गाइस इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पे, काफी टाइम हो चुका है, शाम का समय भी हो चुका है। तो आप जैसे कि अभी चर्चित यूट्यूबर सौरभ आशा ब्लॉग, सौरभ झा ब्लॉग्स बोलिए चाहे सौरभ आशा ब्लॉग्स, अगर आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो इनका चैनल मिल जाएगा। और अगर ये इंटरव्यू वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और थोड़ा इनको सपोर्ट जरूर करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। जल्द मिलते हैं एक न्यू यूट्यूबर न्यू क्रिएटर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय।